समय मतलब आया बहुत दूर से, हमारा इतना काम मतलब एक लेयर खींच गया। दो तीन साल के पहले उस समय समाजवादी सरकार थी प्रांत में, हम लोग जो मुलाकात किए चार पांच लोगों की संख्या में, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे स्तर का जो है हम करेंगे, आप वहाँ के मुख्यमंत्री से मिल लीजिए प्रदेश के, क्योंकि हमारी सरकार है। और आज हम पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री जी से, कि आज ऐसी हालत वार्डन तो जबकि भाजपा की दोनों जगह की सरकार है, आज किससे आदेश लेना है। और हमारा कहना है कि मीर को जल्द से जल्द वो रिपेयरिंग किया जाए, क्योंकि विधायक जी आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर मालिक कोई नहीं लेगा तो हम रिसीवर का दरखास्त दिए हैं, तो मेरे ख्याल से अगर मालिक नहीं ले रहा है तो रिसीवर बैठा दिए तत्काल और मीर को चढ़ा में। नितिन गडकरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जिले में जब आज जिले में आए थे तो उन्होंने मंच से अनाउंसमेंट किया था कि वाटरगंज शुगर मिल हर हाल में चलेगी, लेकिन जिस तरीके से आज झूठा वादा कर करके किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पूरा मामला सामने आ रहा है। और कर्मचारी कहीं ना कहीं रुष्ट हैं, किसान रुष्ट है और युवा भी रुष्ट है, इनकी नीति और नीति से भुगतान इतने बड़े पैमाने पे साल डेढ़ साल का भुगतान बाकी है, किसान मर रहा खाए बगैर, जूता देखे होंगे अभी पॉलिश कर रहे थे किसान बैठ के सब, इनको इसकी चिंता नहीं है, केवल इनको बस बोलने की चिंता बीमारी है। ये बोल के चले जाते हैं और उसी ऐसे चश्मा लगा के चले जाते हैं कि लोग उसी चश्मे से देखें और भूखे पेट सोते रहे। तो आने वाले समय में जनता जिस तरीके से सुला रहे भूखे पेट, उसी तरीके से जनता इनको भी दिखाने का हवा हवाई ये बनेगा।